व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। ये जो वीडियो है जो मैं यहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट करने वाला हूँ, ये आप लोगों को यूपीएससी प्रीलिम्स, ईपीएफओ या फिर स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को ये काफी फायदा पहुंचाने वाली है। ये सारे वो एग्जाम है जहां पर एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर लेकिन अगर आप लोग किसी दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों का एक ऐसा लेवल तैयार करेगी कि दूसरे जो एग्जाम है उनमें भी आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी, उनसे ऊपर ही लेवल आप लोगों का हो जाएगा। तो इसलिए अच्छे लेवल पर जाकर आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। बट छोटा सा काम आप लोग कीजिएगा, हम लोग जहां पर डिस्कस करेंगे वो सारी चीजें क्वेश्चन की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन जैसे ही स्क्रीन पर आप लोगों को दिखे, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद में आप लोग खुद आंसर देखिएगा, तब आप लोग उसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग इसको लेकर चलेगा जैसे कि आप लोग क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, तो इससे आप लोग लंबे समय तक याद रख पाएंगे और आप लोगों को बहुत फायदा देखने को मिलेगा। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों के सामने ये कॉटन कल्टीवेशन के बारे में बात की जा रही है, यानी कि जो कपास की खेती होती है उसके बारे में बात की जा रही है। तीन स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने, यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। सबसे पहले बोला गया कि जो कॉटन कल्टीवेशन है ये वार्म और मोस्ट जो एक तरीके क्लाइमेट रहता है, यानी कि थोड़ा सा आप लोग बोल सकते हैं नम क्लाइमेट जो रहता है, जहां पर थोड़ा बारिश देखने को मिलती है नॉर्मल सी, तो वहां पर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। लगभग 60 से लेके 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल इशिनशियल है कल्टीवेशन के लिए, कॉटन के लिए। यह है दूसरी स्टेटमेंट। तीसरी में बोला गया कि ओनली ग्रो की जाती है ये एलुवियल सोइल में, ठीक है। तो ये तीन स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। ओनली वन बोला गया ए में, बी में बोला गया ओनली वन एंड टू, सी में बोला गया टू एंड थ्री, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बाद में आंसर देखेगा। तो जो सही आंसर है इसका ये है बी, बी है यहाँ पर, क्योंकि जो तीसरा है यहाँ पर ये एलुवियल सोइल, ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। बेसिकली जो गंगा वाला रीजन है, गंगा वाला रीजन बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, एलुवियल सोइल के लिए काफी फेमस रीजन ये माना जाता है। पर लेकिन यहाँ पर जो उगाई जाती है, अगर बात करें कपास के बारे में, तो आप लोगों ने रिगुर सोइल या फिर ब्लैक सोइल बोलते हैं उसको, वो भी आप लोगों ने सुना होगा, डेक्कन प्लेटू में बेसिकली आप लोगों को ये देखने को मिलती है। जो बेसिक ये टेम्परेचर यहाँ पर रहता है ये 21 से लेकर 27 तक आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, और मॉडरेट रेनफॉल जो है यहाँ पर ये आप लोगों के सामने बता ही दिया कितना है। इसी के साथ में आप लोगों से ये पूछा जा सकता है हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा जो लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉटन के वो कौन से हैं, तो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और कर्नाटका ये हैं। और बल्कि अगर पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं, ये हमारी कंट्री में वो राज्य हैं जो कि खासकर देसी वेराइटी यहाँ पर उगाते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, तो ये बेसिक आप लोगों से इसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है। आगे चलता हूं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहाँ पर बात की जा रही है ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में और पर्टिकुलर एरिया के बारे में कि कहां पर ये पाई जाती है। तो आप लोगों को राइट ऑप्शन यहाँ पर मैच करना है। सबसे पहले ऑप्शन में यहाँ पर बोला जा रहा है क्वी ट्राइब, यहाँ पर कहां पर पाई जाती है उड़ीसा में। दूसरा बोला है सेंटिनलीज, ये पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। तीसरा बोला है कुकी, ये पाई जाती है मणिपुर में। चौथा बोला है लापचा, ये पाई जाती है मेघालय में। तो सही ऑप्शन कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया वन एंड थ्री, बी में बोला गया टू एंड फोर, सी में बोला गया वन टू एंड थ्री, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर मैं आप लोगों को सही आंसर बताता हूँ। सही आंसर है इसका ए, ए में है, यानी कि वन एंड थ्री सही है, यानी कि ये सही है। कुकी ट्राइब पाई जाती है मणिपुर में, और यहाँ पर ये वाली ट्राइब आप लोगों को देखने को मिलेगी कुई उड़ीसा में। ये तो हम लोगों ने अभी डिस्कस भी किया था द हिंदू न्यूज़पेपर में। बाकी ये सेंटिनलीज जो ट्राइब है, एक बार आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ये पिक्चर आप लोगों को याद आ रही होगी, काफी न्यूज में थी, ठीक है। ये अमेरिकन नेशनल था जो यहाँ पर अभी ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा यहाँ पर मारा गया था, जो कि बेव बंगाल में ये रीजन था जहां पर ये गए, और वहां पर ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा इनके ऊपर अटैक किया गया, तो इसलिए ये काफी यहाँ पर न्यूज में था, ठीक है। इनको ये लगता है ट्राइबल कम्युनिटी को कोई हमारे यहाँ पर आ रहा है, हमारा सामान छीनेगा, एक तरीके से हमारे साथ में सही से नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये काफी न्यूज में आ गया था ये पर्टिकुलर एरिया, जो कि आप लोगों को ये जो हमारी कंट्री का अंडमान है निकोबार वाला एरिया है, वहां पर ये बेव बंगाल में एक आइलैंड है। और बाकी अगर बात की जाए यहाँ पर ये लापचा के बारे में, ये आप लोगों को सिक्किम के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये आंसर यहाँ पर ये दोनों गलत हो गया, बाकी ये दोनों सही है। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं यहाँ पर नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल। देखिए एक तरीके से तो आप लोगों को पता है कि पेट्रोल और डीजल निकाले जाते हैं, वो जो प्रोसीजर होता है कि काफी लंबे समय तक यहाँ पर जमीन के नीचे जब भी बहुत सारी वनस्पति चीजें या फिर कुछ ऐसी चीजें दब गई थी जिससे यहाँ पर वो कन्वर्ट हो गई फ्यूल में, वो फ्यूल बन जाता है। एक होता है बायोफ्यूल, जो कि जो बायो कंटेंट होता है उससे बनाया जाता है, जैविक ईंधन जिसको आप लोग बोलते हैं। तो इसके लिए हमारी कंट्री में एक पॉलिसी आई जिसको नेशनल पॉलिसी बोला गया, इसी के बारे में स्टेटमेंट है। बोला गया कि जो पॉलिसी है यहाँ पर, ये स्कोप था कि रॉ मटेरियल जो है इथेनॉल प्रोड्यूस किए जा रहे थे अलाउ करने के लिए, सुगर कैन जैसे कि जूस, सुगर बीट, ये स्वीट
स्वीट सोगम और स्टार्च वगैरह जो कंटेंट रखते थे लाइक कॉर्न, तो इनसे बायोफ्यूल यहां पर बनाए जा रहे थे। ठीक है, यह है पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि कौन सी कैटेगरी के बायोफ्यूल है। फर्स्ट में जो इसको बोला गया कि जो बायोफ्यूल है वो बेसिक बायोफ्यूल बोला गया फर्स्ट जनरेशन, जिसको बायोथेनॉल और बायोडीजल, और एडवांस बायोफ्यूल सेकेंड जनरेशन बोला गया। इसमें म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट यहां पर यूज किया जा रहा था, तो यहां पर कहने लगे ताकि यहां पर जो फ्यूल है बाहर से खरीद के लेके आते हैं ना, उसको यहां पर कम किया जा सके, तो ये सेकंड जनरेशन बोला गया। यहां पर ये जनरेशन यहां पर गलत है। जो फर्स्ट जनरेशन था वहां पर ये तो बेसिक जो खाने वाली चीज थी यहां पर वो यूज की जा रही थी, पर लेकिन जब यहां पर सेकंड जनरेशन की बात कर रहे थे यहां पर ये एग्रीकल्चर वेस्ट यहां पर यूज करने लगे, क्योंकि अगर फूड क्रॉप्स यहां पर यूज करते रहते तो खाने के लिए वैसे हम लोग सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो इसलिए वहां पर बोला गया कि फूड क्रॉप की जगह हम लोग को जो सॉलिड वेस्ट है, खासकर सॉलिड वेस्ट बोलो या फिर आप लोग एग्रीकल्चर वेस्ट बोलो यहां पर इसको, ठीक है, सॉलिड वेस्ट नहीं एग्रीकल्चर वेस्ट, ठीक है। सॉलिड वेस्ट तो म्युनिसिपैलिटी वाला होगा, ये थर्ड जनरेशन के लिए, तो सेकंड जनरेशन में थर्ड जनरेशन का नाम यहां पर दे दिया बेसिकली। ठीक है, यहां पर क्या होता है जैसे खेतों में जो खेतों में से जैसे आप लोग बोले गेहूं काटने के बाद में जो भूसा बच जाता है, या फिर इस तरीके से जिसको पुआल को जलाया जाता है खेतों में, तो उससे कैसे बायोफ्यूल जनरेट किया जाता है, वो सेकंड जनरेशन था यहां पर। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई, फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर सही है। और आज की डेट में आप लोगों को बताया कि ऑल ओवर वर्ल्ड से हम लोग आज की डेट में अपना कच्चा तेल, क्रूड ऑयल खरीदते हैं, तो इसकी वजह से उनके ऊपर डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाए, ये भी एक पर्पज है। और अगर यहां पर हम शानदार तरीके से इसको यूज करने लगे तो हमारे किसानों की इनकम काफी अच्छी हो जाएगी, तो इसलिए फोकस किया जाता है। रिसेंटली काफी न्यूज में रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में, तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी यहां पर प्रपोज किया गया, तो किस किसके बीच में ये प्रपोज किया गया है। सबसे पहले बात की जा रही है ए में आसियान मेंबर के अंदर, बी में बोला जा रहा है आसियान प्लस सार्क के अंदर, सी में बोला जा रहा है आसियान प्लस यहां पर एपीईसी, ठीक है, डी में बोला जा रहा है आसियान प्लस सिक्स, तो कौन सा यहां पर सही स्टेटमेंट है ये आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, तो इसके बारे में यहां पर एक बार समझ लेते हैं। तो सही स्टेटमेंट अपनी बताइए, फिर आप लोग आंसर देखिएगा। सही आंसर यहां पर डी, बेसिकली जानते हैं सही आंसर क्यों है। आसियान को बोलते हैं यहां पर आसियान की फुल फॉर्म भी आप लोग याद रख सकते हैं। यहां पर ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से देखे कई बार ना, आप लोग आप फुल फॉर्म याद रखेंगे तो कई सारे क्वेश्चन आप लोग वैसे ही सोल्व हो जाएंगे। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन आसियान बोला जाता है। 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक में इसका डिक्लेरेशन किया गया था, जिसके बेस पर इसको बनाया गया था, बैंकॉक डिक्लेरेशन से बनाया गया था। टोटल 10 कंट्री यहां पर, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, इसका बेसिक पर्पज ये है कि आसपास वाले एरिया में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहां पर हो जाए, पर लेकिन हो क्यों नहीं रहा है, हो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि इंडिया जो चाहते हैं यहां पर वो सर्विसेज को इसका पार्ट बनाया जाए, पर लेकिन बाकी कंट्री गुड्स को इसका पार्ट बनाना चाहते हैं, यानी कि हमारी कंट्री में लाकर सामान तो बेचेंगे, पर लेकिन अगर हम लोग बोले कि हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो भी यहां पर जो स्किल्ड लेबर फोर्स है वो बाहर जा सके, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर किसी दूसरे फील्ड में, तो उसको पार्ट नहीं बनाया जा रहा है यहां पर, तो इसलिए इंडिया यहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन नहीं कर रहा है और इसकी वजह से अटका हुआ पड़ रहा है। आसियान हो गया, 6 कंट्री कौन सी है, 6 कंट्री के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड, तो ये 6 कंट्री यहां पर मिलकर टोटल ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करना चाहते हैं, तो इसलिए ये काफी न्यूज में रहता है, तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बात कर रहे हैं, यहां पर तीन आप लोगों के सामने पॉइंट दे रखे हैं, इनमें से बोला जा रहा है कि कौन सा यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है जो थर्मल पावर प्लांट में प्रोड्यूस होता है, यानी कि कौन सा यहां पर जब आप लोग थर्मल पावर प्लांट के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो कौन सा प्रोड्यूस होता है। 2011 में यूपीएससी में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, स्टेटमेंट में आप लोगों को बताना है ओनली वन, ओनली टू और थ्री, ओनली वन एंड थ्री, ओनली वन टू एंड थ्री, तो क्या है यहां पर, यस ये है यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। फिर यहां पर बोला गया यहां पर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, या अगर बात की जाए ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के बारे में तो ये होता है NOx, ठीक है, तो जो भी यहां पर आएगा इसी के साथ में बात की जा रही है ऑक्साइड, यहां पर बात की जा रही है सल्फर के बारे में तो ये होगा SO2, ठीक है, तो ये यहां पर सारे के सारे प्रोड्यूस होते हैं जब आप लोग पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट का यूज करते हैं, बेसिकली कोयले का यूज किया जाता है, और इसीलिए बार बार बोला जाता है कि कोयले का यूज कम करना है क्योंकि कोयले की वजह से इन्वायरमेंट को भी काफी नुकसान पहुंचता है, तो आंसर यहां पर डी हो गया, सारे ही यहां पर ये निकलते हुए नजर आते हैं और इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम देखने को मिलती है इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से हमारा जो आसपास वाला एरिया है जहां पर बेसिकली कोई थर्मल पावर प्लांट रहता है वहां पर भी काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ इसका पाया जाता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, डी हो गया इसका ऑप्शन सही। आगे बढ़ते हैं, नॉर्मली कई बार आप लोगों ने एक स्टेटमेंट सुनी होगी कि जो सैटेलाइट है उसे जियो स्टेशनरी स्टेटस में छोड़ा गया है, तो यहां पर इसके बारे में आप लोग क्या यहां पर सही है कि क्या इसका मतलब है जो ये बोला जाता है, तो जियो स्टेशनरी आप लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसी पोजीशन पर कि आप लोग उसको देखें तो
तो एक तरीके से वो वहां पर रुका हुआ नजर आए, ठीक है। यानी कि अगर आप हमारी पृथ्वी घूम रही है तो वो भी घूमता हुआ नजर आए, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो इसके बारे में स्टेटमेंट है, 2011 में यूपीएससी पूछा जा चुका है। बोला जा रहा है कि ऑर्बिट यह जियोसिंक्रोनस है। जियोसिंक्रोनस का मतलब है कि जैसे जैसे हमारी पृथ्वी घूम रही है, मान लीजिए आप लोग यहां पर पृथ्वी पर है, तो ये भी उसी स्पीड में घूमता रहता है ताकि आप लोगों को ये चलता हुआ नजर न आए, ठीक है। तो आप लोगों को हमेशा ये दिखता रहेगा। अगर यहां पर रुका रहता तो आप लोग आगे बढ़ जाते, यहां पर ये सैटेलाइट वहां पर रह जाता। तो ये जियोसिंक्रोनस वे में यहां पर काम करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है, ठीक है। नेक्स्ट जो यहां पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कि ये जो है बेसिकली ये लाई करता है जो इक्वेटर के प्लेन में, यानी कि लाई करता है प्लेन ऑफ द इक्वेटर में। जिस तरीके से यानी कि अगर आप लोग एक इक्वेटर देखेंगे, जैसे इक्वेटर का आप लोगों को जो पर्टिकुलर एरिया देखने को मिलेगा, मान लीजिए ये होगी पृथ्वी, ठीक है। तो ये प्लेन आप लोग देखते हैं, अगर इसको काटेंगे इस तरीके से तो एक प्लेन निकल कर आएगा, तो उसी के प्लेन में आप लोगों को देखने को मिलता है, इक्वेटर के प्लेन में लाई करता है। तीसरा बोला गया कि इसका जो एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई होती है लगभग 22,000 किलोमीटर के करीब बोली गई है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। ए में बोला गया 1, 2 एंड 3, सी में बी में बोला गया 1, 3 एंड 4, सी में बोला गया 2 एंड 4, डी में बोला गया 1, 2, 3 एंड 4। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो सही आंसर जो आप लोग यहां पर देखेंगे, ये सही आंसर है इसका ए, यानी कि 1, 2 एंड 3। रीजन क्या है यहां पर, जो डी में है यहां पर ये दिया गया है 22,000 किलोमीटर के करीब, यहां पर ये 22 नहीं है, ये लगभग आप लोगों को 35,786 किलोमीटर के करीब देखने को मिलता है। इसका मतलब हो गया सीधा सीधा, कई बार इसको 36,000 किलोमीटर भी बोल देते हैं। तो 36,000 किलोमीटर की जो रेंज है यहां पर, ये जियो स्टेशनरी ये वाला जो एरिया आप लोग को देखने को मिलता है, तो इसके बारे में याद रखते हैं। या फिर 22 ये दूर रखा है, 22, 36 ये आप लोग यहां पर माइल देखने को मिलेगा, किलोमीटर नहीं माइल। तो यहां पर भी कंफ्यूजन में आप लोगों को डालने की कोशिश की जा सकती है, तो इसको मैं आप लोगों को कंफ्यूजन में नहीं आना है। तो आंसर ए हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहां पर बात कर रहे हैं वोट ऑन अकाउंट और यहां पर इंटरिम बजट के बारे में। हालांकि ये क्वेश्चन बता चुका हूं, फिर भी एक बार सुन लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली भी आप लोगों को बताया बजट प्रस्तुत किया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। वोट ऑन अकाउंट के बारे में बात करें और इंटरिम बजट के बारे में बात करें, और ये पूछा भी जा चुका है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंस है इसकी, याद रखिएगा। वोट ऑन अकाउंट जो है यहां पर, ये बेसिकली आप लोगों को रेगुलर जो गवर्नमेंट रहती है वो आप लोगों को यहां पर देती है, जबकि इंटरिम बजट यहां पर निकल कर आता है, वो आती है केयर टेकर गवर्नमेंट लेकर। जैसे हमारी कंट्री में इलेक्शन हो रहे थे 2014 में, या फिर अभी 2019 में जो इलेक्शन हुए, तो यहां पर क्या करती है गवर्नमेंट, एक इंटरिम बजट लेकर आती है कि जब तक हमारी गवर्नमेंट है तब तक जो खर्चा है वो निकलता रहे। एक तरह से केयर टेकर गवर्नमेंट का खर्चा यहां पर निकाला जाता है। वोट ऑन अकाउंट जो है यहां पर ये डील करती है एक्सपेंडिचर के लिए, जो कि गवर्नमेंट बजट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंटरिम बजट जो है यहां पर, इसमें दोनों चीजें देखने को मिलेगी, एक्सपेंडिचर भी और रिसीट्स भी, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को यहां पर इसमें ये डिफरेंस नजर आएगा। बेसिकली यहां पर वोट ऑन अकाउंट का मतलब मोटे मोटे तौर पर बोल सकते हैं, जब तक बजट प्रस्तुत किया जाता है जो यहां पर डिपार्टमेंट है उनका खर्चा हम लोग निकाल लेते हैं। यहां पर ये पूरा बजट ही रहता है एक छोटा सा, कि हां तब तक का हम लोग बजट करेंगे, फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट चुनकर आएगी तो वो अपने हिसाब से अपना काम करना स्टार्ट कर देगी। तो यहां पर ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आप बात कर रहा है लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिफाइड टनल के बारे में। ये रिसेंटली यहां पर अभी आप लोगों को देखने को मिला, कमीशन किया गया। तो किसके द्वारा कमीशन किया गया, साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा, नॉर्थ रेलवे के द्वारा, नॉर्दर्न रेलवे के द्वारा, सेंट्रल रेलवे के द्वारा, या फिर वेस्टर्न रेलवे के द्वारा। तो किसके द्वारा यहां पर यह भी कमीशन किया गया, ये आप लोगों को बताना है। तो सही आंसर यहां पर देख लेते हैं, सही आंसर यहां पर इसका ए, ये है सदर्न सेंट्रल रेलवे के द्वारा। चेरलोपल्ली और रापरू के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है। लगभग ये लगभग 6 किलोमीटर आप लोग बोल सकते हैं, मोटे मोटे तौर पर 7 किलोमीटर भी लिखा हुआ आ जाए तो सही है, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा सदर्न सेंट्रल रेलवे के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा आंसर इसका ए हो गया। आगे चलते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बताइए आप लोग, आज के डेट में हमारी कंट्री में टोटल कितने जोन हो चुके हैं अगर बात करें रेलवे के। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है, तो बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में अपना होमवर्क के तौर पर। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बात करें जीएसटी काउंसिल के बारे में। जीएसटी काउंसिल कई बार न्यूज में आप लोगों को नजर आती है, तो इसके बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, जीएसटी काउंसिल जो यहां पर एक बॉडी है जो कि टैक्स कितना यहां पर है वो डिसाइड किया जाता है। बेसिकली ये जो छोड़ा जाता है यहां पर सेंटर के द्वारा, स्टेट या फिर लोकल बॉडीज के द्वारा, तो ये सारा जीएसटी में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो जीएसटी काउंसिल के द्वारा जो यहां पर गुड्स और सर्विस टैक्स है वो सब्ज्यूम भी किया गया, ये याद रखिएगा। यूनियन जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसके द्वारा चेयर की जाती है मीटिंग। नेक्स्ट यहां पर बोला गया है, ये जो है एस्टेब्लिश की गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, तो सही क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया यहां पर ओनली 2, बी में बोला गया 1 एंड 2, सी में बोला गया 1, 2 एंड 3, डी में बोला गया 2 एंड 3। तो सही आंसर क्या है इसका,
सही आंसर है इसका बेसिकली सी, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि सारी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। ये हमारी कंट्री में 122 यानी कि 122वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया गया था, जो कि आगे चल के 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बना था 2016 में, जब यहां पर संविधान में चेंज करके जीएसटी को हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किया गया था। तो इसी तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके लाया गया था कि ताकि आगे चल के कोई छेड़खानी ना करे और ढंग से इसको इंप्लीमेंट किया जा सके। एक आजादी के बाद में बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म आप लोग इसको बोल सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जो भी आप लोग पे करते हैं मैक्सिमम, वो इसमें सब्ज्यूम करने की कोशिश की गई, यानी कि मिलाने की कोशिश की गई। फाइनेंस मिनिस्टर यहां पर इसको चेयर करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आरबीआई के गवर्नर भी आप लोगों को बोला जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए, तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। तो ये 101वां यहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, ठीक है। ये हो गया यहां पर सी। बाकी यहां पर कई बार सोचा जाता है कि अच्छा खासा कलेक्शन हो, पर लेकिन कलेक्शन हो नहीं पाता, उसकी वजह से भी ये न्यूज में रहता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है नेशनल कैपिटल रीजन के बारे में। तो यहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके यहां पर लाया गया, डिजाइन किया गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी के तौर पर, ठीक है। तो ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है? 63 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 69th, 74th या फिर 76th? तो ये आप लोगों को कई बार बताया जा चुका है, ये तो याद भी रख लीजिएगा, 69 है, ठीक है। तो 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके यहां पर ये डिजाइन किया गया, एज ए डेजिग्नेशन दिया गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में, आईसीजे के बारे में। तो यहां पर कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। पहला बोला जा रहा है कि यहां पर ये प्रिंसिपल जो है, यहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है यहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये जुडिशियल बॉडी है यूएन की। दूसरा बोला गया टोटल यहां पर कंपोज किया जाता है 15 जजेस को, जो कि 9 साल के लिए यहां पर रहते हैं, और यूएन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा यहां पर ये टर्म आप लोगों को इनकी देखने को मिलती है इलेक्ट किए जाते हैं। जजेस हैं वो यहां पर री इलेक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये बताना है। ए में बोला गया 1 only, बी में बोला गया ओनली 3, सी में बोला गया 123, डी में बोला गया 1 and 2। तो कौन सा आंसर सही है? आंसर जो सही है यहां पर इसका यह है डी, क्योंकि ये गलत हो गया। री इलेक्शन के लिए हमारी कंट्री के दलबीर भंडारी, अभी उनका री इलेक्शन देखने को मिला है, और न्यूज में इसलिए भी है क्योंकि कुलभूषण जाधव जी का यहां पर केस चल रहा है, जो कि हमारी कंट्री के नेवल ऑफिसर हैं, और पाकिस्तान में इनको अभी गिरफ्तार किया गया और उनको फांसी की सजा सुना दी गई, तो इसलिए भी काफी न्यूज में था। इसके बारे में आइडिया रखेगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जो है बेसिकली हेग में नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और 1946 में इसको बनाया गया था, ठीक है। तो बेसिक यही रहता है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी केसेस होते हैं ये यहां पर देखने को मिलते हैं, और इंडिया पार्ट है इसीलिए यहां पर ये पिक्चर में आता है। तो दलबीर भंडारी हमारी कंट्री के जज हैं, जिनको रिसेंटली री इलेक्ट किया गया था, तो इसके बारे में ये आइडिया रख सकते हैं। ये था आज का हमारा डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएगा। बाकी लेक्चर की पीडीएफ आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं, यहां पर कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें शेयर की जाती है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।